आपका वेलकम है, स्वागत है बाफना कप 2022 में। टीम एआईसी फायरस स्ट्राइकर ने एक तरफ है बल्लेबाजी पर चिराग, तो दूसरी तरफ है रौनक। यह है जोड़ी एआईसी फायरस स्ट्राइकर की। और बॉलर्स एक बार अंकित गेंदबाजी पर है। इस फील्ड का पहला ओवर स्ट्राइकर गेंदबाज के तौर पर लाया गया है अंकित को। इस फील्ड का पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर अंकित इस बीच सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला ऑफ साइड की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3। इस बीच ऑफ साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है जब तक गेंद फील्ड होती है। हालांकि दूसरे रन की डिमांड थी, मांग थी, लेकिन ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया। इसे एक रन के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है 4। अंकित इस फील्ड का पहला और टीम की तरफ से पहला ओवर लेके सामना करेंगे चिराग। ऑफ स्टैम्प से थोड़ी सी बाहर लाइन से चुके व्हाइट का इशारा देते हुए अंपायर, अतिरिक्त में एक रनों का इजाफा होता हुआ इस एक रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 5। डीजे वाले भाई थोड़ी आवाज बढ़ाओ ना यार। इसी बीच गेंद फाइले के ऊपर से 6 रनों के लिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सिक्सर निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए समय टीम एआईसी फाइवर्स स्ट्राइकर जो एक तरफ बल्लेबाजी करते हुए चिराग तो दूसरी तरफ रौनक। ये है जोड़ी, सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, एक सोच समझ के साथ साझेदारी निभाते हुए। इनको पता है कि 4 ओवरों का मुकाबला है, 4 ओवरों में कम से कम 40+ 50+ रन अगर हम देते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर होगा। वहीं दूसरी तरफ टीम ब्रेवहार्ट वॉरियर्स के कैप्टन की सोच होगी कि कम से कम रनों पर बांधा जाए। और यहां पर देखिए फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिलती हुई अंकित को, पहला विकेट का खुराक मिलता हुआ उनकी टीम को। यस एंटरप्राइजेस विकेट। आईसी फाइव एस स्ट्राइकर, अब नए गेंदबाज देखना होगा किस गेंदबाज को लाते हैं टीम के कैप्टन आशीष। आतिश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्पेल का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आतिश इस समय गेंदबाजी। पहली बॉल थी, गेंद को खेला ऑफ साइड की तरफ, दूसरे रन की है डिमांड और रन भी मुकम्मल होता हुआ। एक अच्छी रनिंग, गुड रनिंग, मिन द विकेट, एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। जहां एक रन था वहां 2 रन लिए। न्यू बैट्समैन
नेम अपडेट करा दें। न्यू बैट्समैन विनीत अतिशीत समय गेंदबाजी कर रहे हैं, गेम को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का, और इस एक रन के साथ अब स्कोर इस समय पहुंच चुका है 13-13 एक विकेट के नुकसान पे। माफी चाहते हैं 16-16 थोड़ा मिस्टेक स्कोरर से। आतिश इस ओवर में, जो कि उनके स्पेल का पहला, टीम का दूसरा ओवर। क्या गेंदबाजी है, बेहतरीन लाइन यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, क्लीन बोल्ड किया यहां पर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। यस इंटरप्राइजेस विकेट। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो हमारे बीच में जो कि टाइटल स्पॉन्सर हैं बाफना परिवार, मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस पूरी कमेटी की तरफ से। नी बल्लेबाज एआईसी 5S स्ट्राइकर टीम के कैप्टन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेटी बॉक्स में भेज दें खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए। राहुल जिस तरीके से शाम ढलती चलेगी, मैच भी आप देखेंगे, रोमांचकारी मैच भी होंगे और हमारे बीच में मेहमान भी आते रहेंगे। तो इस समय इस सिंगल के साथ हुआ ओवर समाप्त, ओवर नंबर समाप्त हुआ दो, दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 17-17। खेल समाप्त होने के बाद इस समय टीम एआईसी 5S स्ट्राइकर ने 17 रन बनाए हैं, 17 रन बनाने में दो विकेट गंवा चुकी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण मिला जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करती हुई 17 रन बनाई और दो विकेट गंवा चुकी है। यहां से अब दो ओवर का खेल और बचा हुआ है, यानी ये ओवर जो चलेगा ओवर नंबर इस समय 3 और पावर प्ले का ओवर होगा। इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेगी दोनों ही बॉलर हर्षित, टीम के कैप्टन है। थोड़ा सा समय का ध्यान दें प्लीज, टीम ब्रेव हार्ट्स
हमारे पास समय बहुत कम है, बार बार ये निवेदन है सभी टीमों से, और तीसरा ओवर शुरू हो रहा है पहली गेंद पर। यह अच्छा शॉट है लेकिन डीप में खिलाड़ी हैं, एक ही रन, क्या दूसरे की कोशिश होगी, खतरा हो सकता है, और ये रन आउट के जरिए यश इंटरप्राइजेज विकेट का पतन। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो खुद जिम्मेदारी को निभाते हुए इस पावर प्ले के ओवर में। इस बीच गेंद को खेला जरूर है स्टेट ड्राइव, लेकिन जब तक डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का। न्यू बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक पर अक्षत हर्षित इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, एक चतुराई भरी गेंदबाजी, चलाकी भरी गेंदबाजी, क्योंकि टीम के कैप्टन भी हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी कंधों पर भी है, क्योंकि टीम को सजाया है, बनाया है। और अगर आप अच्छा करेंगे तो सभी अच्छा करेंगे। कदमों का किया इस्तेमाल, नीचे है फील्डर मौजूद, जाना पड़ेगा पवेलियन के बाहर। एक और विकेट का पतन होता हुआ इस समय हर्षित को सफलता मिलती हुई, यस इंटरप्राइजेज विकेट। न्यू बल्लेबाज पलवीर आए हैं, वाह क्या गेंदबाजी है हर्षित जी ने, एक और विकेट, एक और यस इंटरप्राइजेस अपने नाम करते हुए। सवाल किया कि आप टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्यों लिया है, लेकिन अभी यह समझ में आ गया कि इनका फैसला कितना बेहतरीन था। जिसके पास गेंदबाजी की लाइनअप हो वो क्रिकेट की एक रीढ़ मानी जाती है। वाकई हर्षित जी इस ओवर में दो विकेट अपने नाम किए हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है। अभी तक बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया और दो सफलता अपने नाम की। हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई जरूर, और नहीं तो एक और विकेट मिल सकते थे इस ओवर में हर्षित जी को। एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, कमाल की गेंदबाजी करते हुए, और इस दो रन के साथ स्कोर पहुंचा 21। ओवर नंबर समाप्त हो चुका इस समय, तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 21, विकेट गिरे हैं 4।
समाप्त हुए, तीन स्कोर है 21-21। हर्षित भाई बॉलर कौन है? दिव्यम। दिव्यम इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है टीम के कैप्टन हर्षित जी, क्या बेहतरीन कप्तानी करते हुए पूरी तरीके से टीम को जिस तरीके से सजाया और बनाया है, ये मानना पड़ेगा कि आपके पास जी बिल्कुल अंपायर का इशारा डेड बॉल का आता हुआ, कुछ रनिंग में दिक्कत आई। दिव्यम आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए, 15-20 कदमों का बॉलिंग रनऑफ है। इस बीच हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, गेंद को पूरी तरीके से देखा समझा परखा और खेल दिया फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर, एक निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका। बलवीर स्ट्राइक पर हैं, जिन्होंने चौके से स्वागत जरूर किया है। इस बीच गेंद हवा में है, नीचे है खिलाड़ी मौजूद, जाना पड़ेगा इस बार या नहीं, एक जीवनदान मिलता हुआ यहां और एक और जीवनदान मिलता हुआ। तो बिल्कुल मैच की जो कड़ी में होता है, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच पकड़ो। हालांकि हर्षित जी की जो सेना है अभी तक क्या बखूबी गेंदबाजी और फील्डिंग कमाल की रही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई, और इस मिसफील्डिंग का किस तरीके से फायदा उठाती है टीम एआईसी 5S स्ट्राइकर। ये जोड़ी है इस समय जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। अगर गेंदबाज की बात करें तो वाकई अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही, फील्डरों ने साथ नहीं दिया वरना इस ओवर में विकेट हो सकते थे, कमाल की गेंदबाजी रही। बल्लेबाजों को अभी तक खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया गेंदबाज दिव्यम ने, एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। कहते हैं साथ बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो बिजनेस में साथ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की साथ हो, या फिर क्रिकेट में साथ हो। अगर आपका साथ साथ नहीं तो सब बेकार। इस बीच हवा में है गेंद, चलाकी चतुराई भरी गेंदबाजी और फील्डर को ले रखा था फाइनल लेग की तरफ, एक और विकेट गिरता हुआ इस समय विकेट यस एंटरप्राइजेस। स्कोर है 30 और 6 विकेट गंवा चुकी है टीम, लास्ट बॉल इस इनिंग की।
एक रन लिया है, दूसरे रन की है डिमांड और जाना पड़ेगा, एक विकेट भी जाएगा, अरे एक रन भी मिलेंगे लेग बाई के रूप में और एक विकेट भी जाएंगे, यानी विकेट नंबर 7, 7 विकेट गंवाई टीम इस समय एआईसी 5S स्ट्राइकर ने। 7 विकेट गंवाकर 4 ओवर में स्कोर बनाई है 31 और 32 रनों का दिया है लक्ष्य टारगेट टीम ब्रेव हार्ट वॉरियर्स को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक सुनते रहिए एक मधुर सी गीत, फिर हाजिर होंगे दूसरी इनिंग के लिए। टॉस के बॉस हैं जिन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि अगले सीजन जितने भी सीजन चलेंगे उस सीजन में मैं स्पॉन्सर रहूंगा। हमारे टॉस के बॉस अदड़िए पवन बेन, प्रकाश जी, मंदल लेशा, नोडला, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, वेलकम करता हूं। आइए टॉस के जो बॉस हैं और हमारे बीच में वाफना परिवार के भी मेंबर, मैं इनका भी वेलकम करता हूं सर। और हमारी दोनों टीमों के कैप्टन भी आ चुके हैं, वंदना फैंस वर्सेज जो दूसरी टीम है एक तरफ, महावीर 11। चलिए टॉस कौन करेगा, कॉल वंदना या फिर महावीर? कैमरामैन प्लीज स्टेज की तरफ आ जाएं। कैमरामैन अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे कैमरामैन जो कि सुबह से मेहनत करते हुए कैमरामैन, कैमरामैन प्लीज, ये यादें जो है यादगार ये लम्हे आप अगर अभी कैच नहीं कर पाएंगे तो दोबारा नहीं पाएंगे वो लम्हे जो हमारे बीच से जाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक महान हस्ती बाफना परिवार जो इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर टाइटल भी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और पूरी कमेटी की तरफ से। चलिए टॉस के बॉस जो हमारे बीच में इस समय महेश प्रकाश जी हैं, मैं इनका भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं पूरी कमेटी की तरफ से। दोनों टीम एक तरफ है वंदना फैंस तो दूसरी टीम महावीर 11। टॉस कौन, बैट्समैन नेम? महावीर 11 जो है कॉल टॉस। बाफना परिवार की तरफ से टॉस हवा में किया गया और टेल्स बॉलर कौन है, बॉलर तो टॉस जीता है इस समय वंदना फैंस। हर्षित चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। टॉस जीतने के बाद फैसला आना बाकी है। फैसला नहीं आया,
इस बीच हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेल दिया है फाइनल की तरफ। जब तक स्क्वायर की तरफ जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का। इस एक रन के साथ इस समय रनों की संख्या पहुंच चुकी है 5 बिना विकेट के नुकसान पे। टारगेट मिला है 32। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की इस समय टीम ब्रेव हार्ट वॉरियर्स ने। जहां AIC 5S स्ट्राइकर के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध दिया 31 पे और 32 रनों का लक्ष्य मिला। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अब अभी तक 6 रन बना चुकी है विकेट बिना गंवाए। एक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। नया बॉल है कि नहीं बात। और इस बीच थोड़ी सी बाहर जरूर है, बिल्कुल पकड़े जाएंगे, अंपायर ने वाइड करार दिया और अतिरिक्त में एक रनों का इजाफा होता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या मिली है इस समय 7 रन आने चाहिए कहीं से भी आए बाई वाइट। जैसे कि अनाउंस किया जा रहा है, इस बीच हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर मौजूद, लेकिन दे के जाएगी गेंद 6 रन निकलता हुआ ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सिक्सर। खिलाड़ी का अच्छा प्रयास रहा लेकिन नाकाम होते हुए दोनों फील्डर। गेंद 6 रनों के लिए गई 6। इस 6 के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है अब 13 बिना विकेट के नुकसान पे। जो नए लोग आए हैं अगर अभी तक लॉकी ड्रा ना लिए हो तो प्लीज वो हमारे कमेटी बॉक्स में आ जाएं, लॉकी ड्रा ले लें। जो अभी तक लॉकी ड्रा ना लिए हो वो लोग आके ले लें हमारे कमेटी बॉक्स में। थैंक यू डीजे। इस बीच एक बार फिर से करारा प्रहार, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के, अंपायर का इशारा आना बाकी है। वन बाउंड ओवर इस समय समाप्त हुआ। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 17 बिना विकेट के नुकसान पे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही और उसी अंदाज में अब बल्लेबाजी भी है ब्रेव हार्ट वॉरियर्स के। हर्षित जी ने जो बोला था ना कि मेरे पास वो सिक्के हैं और वो हथियार हैं, वो सैनिक हैं कि हम कम से कम रनों पर बांधेंगे भी और इस मुकाबले को जीतेंगे भी। वाकई अभी तक क्या बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। एक ओवर में जहां सिर्फ हर मैच में देखा जाए 10 रन 15 रन आते हैं, वहीं 17 रन बटोरी है टीम इस समय। बॉलर्स नेम और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में चौका। तो
थैंक यू डीजे, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कमेटी के सामने से हटिए आप लोग, कमेटी बॉक्स के। मुकेश सर जी प्लीज, बॉल इस समय चिराग और बल्लेबाजी की बात करते हैं। ऋषभ और राहिल ये है जोड़ी, अभी तक बखूबी निभाते हुए जिम्मेदारी को, गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर और अच्छी गेंदों को सम्मान और हर गेंदों पे सिंगल दुक्की यानी स्ट्राइक रोटेट करते हुए जो जरूरत है इनको। चिराग थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए एक मजबूत स्थिति में इस समय टीम। ब्रेव हार्ट और ईयर्स की टीम इस समय मजबूत स्थिति में है। यहां पर डॉट कि बिल्कुल विकेट यहां पर गिरता हुआ है, यस एंटरप्राइजेस के रूप में पहला विकेट, पहली कामयाबी मिलती हुई चिराग को। नहीं बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक। अच्छा हर्षित ना, हर्षित जी, अंकित, अंकित, अंकित स्ट्राइक पे ना। टीम के कैप्टन इस समय हर्षित जी आए हैं जो कि नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर अंकित। अब ये है जोड़ी, स्कोर इस समय है 23-23 रन। 32 रनों का लक्ष्य मिला है टारगेट, उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम ब्रेव हार्ट वॉरियर्स। अभी तक 23 रन बना चुकी है एक मजबूत स्थिति में। ओवर नंबर इस समय चल रहा है दूसरा है। इधर आगे बैठना, आगे मत। चिराग तैयार होते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर। बीच अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर गए, गेंद को खेल दिया है, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन गेंद देकर जाएगी चौका, मिलेगा एक और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका।
का है। दो ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद इस समय स्कोर है 27, 27 दो विकेट के नुकसान पे। ये ओवर नंबर तीसरा जो कि पावर प्ले का होगा, और इस ओवर में क्या इस मुकाबले को जीत लेगी टीम या फिर गेंदबाजी की जो जिम्मेदारी है बॉलर्स राहुल के कंधों पर होगी। इस ओवर में किस तरह गेंदबाजी करते हैं राहुल ये देखने की बात होगी। बार अच्छे गेंद थे, गेंद को खेला जरूर है। स्ट्राइक ओवर गली की तरफ गेंद जा रही, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है चार रनों के लिए। ये निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका। थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू। तो गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज हर्षित ने जड़ दिया चौका। इस चार के साथ पूरी तरीके से टीम अब लेवल पे आ चुकी है। एक रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है ब्रेव हार्ट वॉरियर्स ने, बहुत बहुत बधाई हो। गेंद चार रनों के लिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका, और अब होगी एक नए मैच की शुरुआत। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक जुड़े रहिए, बने